जरूरी था कि आंकड़े पता चले, और आंकड़े जब सामने आए, अभी तो बिहार के स्तर पर आए हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के स्तर पर हो। कुछ लोग हैं अभी भी आदत से लाचार हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी शिक्षा करीब करीब गायब हो रही है, शिक्षा का पूरा निजीकरण हो रहा है, तो शिक्षा से रोजगार से लोग बाहर होते चले जाएंगे तो आरक्षण मिलेगा कहाँ। ये मोहन भागवत ने जब कहा, इसके बाद बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को आरक्षण पर बहस बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जो हम अभी तक किया गया, ये तो साफ है कि कौन नहीं चाहते थे कि ये भी हो। इसके लिए सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किन लोगों ने खटखटाया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है, ऐसे में सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है। बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है, जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया, उसके बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं, आंकड़ों के साथ खेल हुआ। खैर, उस पर हम चर्चा करेंगे ही, मगर सवाल आरक्षण को लेकर। हमारे साथ देखिए दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, CPIML के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो डेटा जारी किया गया, उस डेटा पर तो सवाल उठ रहा है, खैर उस पर तो बात करेंगे ही, मगर आरक्षण को लेकर के भी बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई पहले से ही स्लोगन दिया जा रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो अब हिस्सेदारी जो है वो आरक्षण में तब्दीलियों के साथ मिलेगी। नहीं, आरक्षण को लेकर देखिए दो तरह की बात है। हाँ। एक है कि कुछ लोग हैं अभी भी आदत से लाचार हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि अब जब मोहन भागवत ने भी कह दिया कि अगले 200 साल तक जो भारत की स्थिति है उसमें 200 साल तक आरक्षण रहेगा, तो अब तो भाजपा वालों को, संघियों को आरक्षण के खिलाफ बोलना बंद कर देना चाहिए। तो सवाल है कि आरक्षण सार्थक रूप से लागू कैसे हो। इसी के लिए ज़रूरी था कि आंकड़े पता चले, और आंकड़े जब सामने आए, अभी तो बिहार के स्तर पर आए हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के स्तर पर हो, और बिहार में भी और पूरे देश में भी जाहिर सी बात है कि ये बात भी उठेगी कि आरक्षण का अभी जो सीमा तय कर दी गई, तो वो सीमा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से तोड़ दिया। जब आपने EWS 10% कर दिया, तो आपने सीमा बढ़ा दी, क्रॉस हो गया। तो हमें लगता है कि सीमा तो बढ़ेगी आरक्षण की, और उसके साथ साथ उसमें जो डिवीजन है वो भी देखना होगा। जैसे बिहार को लीजिए, तो बिहार में अभी इस पर जो आंकड़े आए उसमें दलितों की आबादी मेरे ख्याल से 20% के आसपास है। आदिवासियों की आबादी झारखंड अलग होने के बाद घटी है, लेकिन जितना कम सोचा जाता था उससे ज़्यादा है, 2% के करीब है, लेकिन आरक्षण उस अनुपात में नहीं है। तो यहाँ तो SC ST का आरक्षण को लेकर भी बात होगी। बात होगी OBC आरक्षण को लेकर के, जो जहाँ 63% है वहाँ कितना मिल रहा है। इसलिए आरक्षण को लेकर के ज़रूर बात होगी, और हमें लगता है कि इसके साथ साथ जो और बात होगी कि सिर्फ आरक्षण से स्थिति में तब्दीली संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए हमें इंतज़ार है कि संसाधनों की क्या स्थिति है, ज़मीन पर किसके पास कितनी ज़मीन है, यानी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रोज़गार के सवाल पर, तो वो भी चाहिए। आप देखिए, अभी तक आरक्षण उसी हद तक सार्थक हुआ है जब तक देश में थोड़ा बहुत भूमि सुधार हुआ। थोड़ा बहुत जो भूमि सुधार हुआ, पुरानी ज़मींदारी ख़त्म हुई, तब जा कर के OBC आरक्षण में आपको दिखा कि एक सेक्शन के लोगों को कुछ मिला। पुराने देश में जो शिक्षा व्यवस्था थी, सरकारी शिक्षा व्यवस्था काम करती थी, तब जा कर के आप देखते हैं कि SC ST के हिस्से को आरक्षण का कुछ फ़ायदा मिला। पब्लिक सेक्टर था, सरकारी नौकरियाँ होती थी, रेलवे में, पोस्ट में, आर्मी में, तो ये नौकरियां थी, आरक्षण मिलता था। अभी अगर आपको सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है, सरकारी शिक्षा करीब करीब गायब हो रही है, शिक्षा का पूरा निजीकरण हो रहा है, तो शिक्षा से रोजगार से लोग बाहर होते चले जाएंगे तो आरक्षण मिलेगा कहाँ। स्वरूप किस रूप में बदलना चाहिए? आपने कहा कि आर्थिक स्थिति भी देखनी होगी, तो आपको संख्या भी देखनी है, संख्या बल भी देखना है कि भाई किसकी जितनी संख्या है उस आधार पर आप लोगों ने पहली भागीदारी की भी बात आप लोग लगातार बुलंद करते रहे। अब आर्थिक स्थिति भी आप लोगों को देखनी है, तो कैसे, किस रूप में, स्वरूप में आप लोग आरक्षण की को आगे बढ़ाएंगे, ये सवाल। तो हम कह रहे हैं कि एक तो आरक्षण अपने आप में लोगों को मिले, आरक्षण का फायदा मिले, वो तो बिल्कुल देखना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण है, तो सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ मिलेगा।
और कोई अगर कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का हम भी पक्षधर हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं के बराबर है, तो नौकरी जो थी वो पब्लिक सेक्टर में ही थी। इसलिए हमें लगता है कि हमें आरक्षण के साथ साथ रोजगार की बात करनी होगी, शिक्षा की बात करनी होगी, भूमि सुधार की बात करनी होगी, ताकि लोगों के जो एक कुल मिलाकर के सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव हो, उसमें सुधार हो, लोग सम्मान के साथ जी सके। दायरा कितना बढ़ना चाहिए दीपांकर भट्टाचार्य जी? सवाल तो दायरे पर भी उठ रहा है। दायरे पर तो कोई उसमें कोई सीमा नहीं है। दायरे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जब तय कर दिया कि 50 को अपने क्रॉस किया है तो जरूरत के हिसाब से दायरे तय होंगे, और इसलिए हमें लगता है कि उसमें आंकड़े आने दीजिए ये बात। लेकिन एजेंडा खुल गया है, ये एजेंडा खुला हुआ है पूरे देश के पैमाने पर, और बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी सवाल है और तय होना चाहिए। पर विपक्ष जो है वो आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने भी बाहर से सत्ता, बिहार से में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसे आप लोगों ने सरकार को भी समर्थन दिया है, सवाल उठ रहा है कि आप लोगों की मंशा ही नहीं है। आप लोगों ने जो आंकड़े आए हैं बस उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ और अपने आधार पर एक डेटा तैयार कर देना जिससे चुनावी फायदा आप लोगों को हो जाए। नहीं, नहीं, अभी तो आंकड़े आए हैं, उसका पहला फर्स्ट रिपोर्ट आई है, तो आने दीजिए। अब दोनों बात एक साथ तो नहीं चल सकती ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंकड़े भी ठीक नहीं है, आंकड़ों को लेकर भी बहस कर रहे हैं, कुछ आरक्षण को लेकर भी बहस कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप करना नहीं चाहते। लेकिन जो हम अभी तक किया गया ये तो साफ है कि कौन नहीं चाहते थे कि ये भी हो। इसके लिए सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा किन लोगों ने खटखटाया? कौन नहीं चाह रहे थे कि भाई बिहार में ये जो जनगणना की शुरुआत हो रही है ये ना हो? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जहाँ तक भी हम लोग हुआ है वो नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि ये शुरुआत है, बात आगे बढ़े, बिहार की पूरी रिपोर्ट आए और इसी तर्ज पर पूरे देश में जो नेक्स्ट जनगणना है वो जाति के आधार पर जातिवार गिनती हो। यानी 50% से जो आरक्षण की जो सीमा है वो और भी पार जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। और हमें लगता है कि मोहन भागवत ने जब कहा, इसके बाद बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को आरक्षण पर बहस बंद कर देनी चाहिए। आरक्षण के खिलाफ जो बयानबाजी करते रहते हैं उस पर रोक लगा देनी चाहिए। अब इस पर बात आओ, आंकड़े हो और उसके आधार पर आरक्षण की सार्थक नीति तय हो, उसको लागू कैसे किया जाए इसके ऊपर जोर दिया जाए। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य जी को, देखिए जिसको लेकर के सियासत गर्म है, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है, वह है रिजर्वेशन, आरक्षण, डेटा आ गया है। मगर दीपांकर भट्टाचार्य जी का स्पष्ट रूप से कहना है आर्थिक स्थिति भी देखनी होगी, डेटा आ गए हैं, अभी धीरे धीरे बहुत कुछ होना बाकी है, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, इन तमाम चीज़ों का डेटा आना बाकी है। हम पोर्टल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।